राहुल गांधी की सदस्यता सच्चाई की जीत है, ऊपर भगवान ने मदद की इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता। रोक लगी है सिर्फ इस पे, वापस फ्री नहीं किया गया, सिर्फ रोक लगी है सजा के ऊपर गजेंद्र सिंह शेखावत का। मेरी एक बात समझ नहीं आई, गजेंद्र सिंह जी शेखावत जितनी ऊंची ऊंची देते हैं थोड़ा तो जमीन पे खड़े होकर भी बात कर लेनी चाहिए। गजेंद्र सिंह जी जब से केंद्रीय मंत्री बने वो बहुत घमंड हो गया, घमंड रावण का भी नहीं चला। गजेंद्र सिंह जी आप मित्र हैं, मेरे भाई हैं, भगवान राम आए और आकर रावण का अंत कर दिया। आपकी जो आजकल भाषा है वो थोड़े जमीन पे खड़े रहा करो, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल कर आए हो। आप राहुल गांधी के लिए जिन शब्दों की बात रोक लगी है तो मतलब गजेंद्र सिंह जी ने ये मान लिया कि राहुल गांधी के खिलाफ जितना भी षड्यंत्र हुआ वो बीजेपी ने किया, बीजेपी तो कह रही है हमारा कोई लेना देना ही नहीं है और गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं हमारा लेना देना है, तो इसका मतलब राहुल गांधी के खिलाफ जितना षड्यंत्र हुआ सदस्यता रद्द करने का वो सारा बीजेपी ने किया, गजेंद्र सिंह जी ने मान लिया, अब बीजेपी को जवाब देना चाहिए। वैसे सरकार ने करप्शन पर वार किया है, हेरिटेज मेयर पर कार्रवाई हुई है, अब क्या कार्रवाई होगी? पुरानी खबर होगी, नई और मेयर का इंतजार, क्योंकि कार्यवाहक मेयर भी बना देंगे, परमानेंट मेयर भी बना देंगे, लेकिन करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जब किसी को पार्षद मेयर बनाते हैं, पद देती है कांग्रेस, तो चोरी करने के लिए नहीं देती, भलाई करने के लिए देती है। कोई ये समझे हम चोरी कर लेंगे और हम देखते रहेंगे तो आप ये मान के चलिए, कांग्रेस जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। मैंने लोगों से अपील की है 1064 पर फोन करें, चेक कर लें, यदि किसी से भी पट्टे के पैसे लिए जाके मुकदमे दर्ज कराओ, ईसीडी में मुकदमे दर्ज करेंगे, वापस उनके पैसे दिलाएंगे।